आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं यूपी की बड़ी खबरों की ओर, जहां देश में आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बेहद ही धूमधाम से मनाई गई है। डीएम ने माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर जनपदवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर की जीवन शैली और विचार सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। हर जगह जगह रैली निकालकर संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर को याद किया जा रहा है। वह इस मौके पर रथ यात्रा और झांकी को हर्षोल्लास पूर्वक निकाला जा रहा है, जबकि डीएम ने बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर जनपदवासियों को बधाई दी है। तो आप ये तीन अलग अलग जनपदों की तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर औरैया से है, दूसरी तस्वीर बुलंदशहर, तो तीसरी तस्वीर हरदोई से है, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बेहद ही धूमधाम से मनाई गई। जबकि औरैया और हरदोई में एक रैली का आयोजन किया गया, जबकि बुलंदशहर में डीएम ने खुद ही अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए देशवासियों को ये बताया है कि उनकी जो जीवन है वो एक बेहद ही बड़ा प्रेरणा का स्रोत, और आज के इस युग में सभी को अंबेडकर के जीवन से काफी कुछ सीखना चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें सिर्फ सांसदी गंवाने तक ही नहीं रुकी, बल्कि अब राहुल गांधी को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस भी भेज दिया गया है। बता दें कि संसद सदस्य के तौर पर अयोग्य घोषित होने के बाद राहुल गांधी को अब दिल्ली के लुटियंस जोन में 12 तुगलक लेन वाला अपना सरकारी बंगला खाली करना होगा। लोकसभा के हाउसिंग कमेटी की तरफ से नोटिस के बाद राहुल गांधी को 22 अप्रैल तक ये बंगला खाली करने को कहा गया है। तो वही अब राहुल गांधी के आवास के बाहर ट्रक पहुंचने भी शुरू हो गए हैं, जिसके बाद कांग्रेस और बाकी विपक्षी दलों ने काफी विरोध जताया है। असद अहमद और शूटर गुलाम मोहम्मद को यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर में मार गिराया है। इस पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा था कि यह फर्जी एनकाउंटर है। वहीं अब मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव की भी इस एनकाउंटर पर प्रतिक्रिया सामने आई है। सपा मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने इस एनकाउंटर पर कहा कि यूपी में लगातार फेक एनकाउंटर होते जा रहे हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जिसमें रूल्स और रेगुलेशन और लगातार उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। लगातार उत्तर प्रदेश में फेक एनकाउंटर्स होते जा रहे हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, एक प्रजातांत्रिक देश है, और यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसके तहत देश चलता है, और इन सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस की उत्तर प्रदेश में धज्जियां उड़ाई जा रही है। शाहजहांपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सभी को अंबेडकर जयंती की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं तक दी गई हैं। वही कार्यक्रम के दौरान सभी ने संविधान की रक्षा की शपथ ली, जबकि अंबेडकर जयंती के मौके पर सोसाइटी के अध्यक्ष और एडवोकेट विकास चंद्रा ने समाज के सभी बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करने का संदेश दिया और घर घर जाकर समाज के बच्चों में शिक्षा की अलख जगाने और समाज को सामाजिक कार्यों के प्रति जागरूक और बाबा साहेब की किताबों को पढ़ने का भी संदेश दिया है। आज हम लोगों ने प्राचीन वाल्मीकि मंदिर खटिया डोला का बहुत ही सब भारत के संविधान निर्माता, नारी को सम्मान देने वाले, गांधी को प्राण दान देने वाले, इस देश के भाग्य विधाता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की 132वीं जयंती को हम लोगों ने मनाया है, उनके जन्म उत्सव पर मनाया है। और इस जन्म उत्सव पर हम लोगों ने एक प्रेरणा ली है कि बाबा साहब ने जिस तरीके की अलग जगाई थी सोती हिंद कौम को जगाने के लिए, उसी तरीके से हम लोग भी शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे, अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हम लोग भी शिक्षा की ज्योत को घर घर तक लेके जाएंगे। प्रयागराज में अतीक अहमद के बेटे असद के एनकाउंटर के बाद पोस्टमार्टम कराकर प्रयागराज स्थित चकिया में लाने की कवायद शुरू हो गई है। तो वही अतीक के घर पर मोहल्ले वासियों और रिश्तेदारों की भीड़ जुटने लगी है। यहां उपस्थित महिलाओं के आंखों में आंसू देखे जा सकते हैं। वही मोहल्ले के लोगों ने ये भी कहा कि अतीक और उनकी पत्नी शायस्ता परवीन को यहाँ पर लाकर असद का अंतिम दर्शन करा देना चाहिए। असद अपने माँ बाप का दुलारा था और एक बार माँ बाप को यहाँ आना जरूरी है, क्योंकि दफनाने पहले कई रस्में निभाई जाती हैं।
तो रहम करना चाहिए कि भाई उनके माँ बाप को भेज देना चाहिए कि भाई आखिरी दीदार कर ले, फिर तो नहीं आने वाला, तो जो होना तो हो गया, अपने ही मन का उन्होंने किया, किसी की तो नहीं सुना। अब उनको भेजना चाहिए कि भाई एक आखिरी दीदार करवा दे, भाई दूध बकसना है, माँ का दूध पीता है, बच्चा इतनी मुश्किल से पलता है, आप लोग भी बाप होंगे, बच्चे वाले होंगे, औलाद वाले होंगे, मैं भी एक माँ हूँ, मुझे भी पता है कि औलाद के दर्द क्या होता है, जब हम पराए हो के मुझे इतनी तकलीफ है कि मैं रात भर सोई नहीं, बहुत लाड प्यार से पाला, हर आदमी पालता है, जब हमको इतनी तकलीफ, हम मोहल्ले वाले हैं तो वो उनके तो खुद के माँ बाप, उनको कितनी तकलीफ होगी, एक बार दीदार तो करवा दीजिए। जाजा से मिट्टी उतरती है, बाप के जाजा से मिट्टी उतरती है, कफन जब दफन होते हैं तो बच्चे लोग माँ बाप के जाजा से होते हैं, अच्छा, और उसके बाद माँ दूध बखसती है तब जाके बच्चे माफ होते हैं। माँ बाप को बिल्कुल आना चाहिए, उसके चचा को आना चाहिए, उसके भाई को आना चाहिए, आप लोग कोशिश करिए पूरे कि सब लोग लेके आइए यहाँ पर, माँ बाप को बहुत ज़रूरी है आना, इस जगह पे आना बहुत ज़रूरी है, बच्चे हैं भाई, माँ बाप इतनी टाइम तड़प रहे हैं, हम लोग मोहल्ले को होकर तड़प रहे हैं, वो तो माँ बाप है, उनके दिल से पूछिए आप किस तरह से बेचारे तड़पते होंगे, कितनी बहुत दुलारा था, बहुत प्यारा था अपने माँ बाप का वो, अच्छा, इसके लिए हम आप लोग से माफ़ी चाहते हैं कि आप लोग उनको आप लाइए, लाने की आप बिल्कुल कोशिश करिए माँ बाप सबको। खबर बहराइच से है, जहां भारतीय संविधान के शिल्पकार एवं महान समाज सुधारक भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर कलेक्ट्रेट सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं आयोजन के दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र, अपर डीएम अनिरुद्ध प्रताप सिंह, वहीं नगर मजिस्ट्रेट शालिनी प्रभाकर, डिप्टी कलेक्टर डॉक्टर पूजा यादव सहित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। इसके बाद जिलाधिकारी ने अधिकारियों के साथ जाकर अंबेडकर पार्क स्थित बाबा साहेब की मूर्ति पर माल्यार्पण भी किया है। अंबेडकर साहब भारत के ही नहीं अपितु पूरे विश्व के ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने मानवता के लिए एक बहुत ही अनुकरणीय कार्य किया है, और वह अनुकरणीय कार्य शब्दों में उसको नहीं बताया जा सकता, अनुभव की चीज़ है। आप देख सकते हैं कि भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जी ने वंचितों शोषितों की लड़ाई के साथ साथ उनको संविधान में स्थान दिया है, कि किस प्रकार से सामाजिक आर्थिक न्याय उनको जीवन भर मिलता रहे, जिससे कि वो देश के विकास में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सके। हरदी में पूर्व प्रधान पर फर्जी मुकदमा दर्ज कराने के मामले में एक नया मोड़ आया है, जिसमें महिला के पति ने एसपी को प्रार्थना पत्र देकर अपनी पत्नी पर फर्जी मामले में फंसाने का आरोप लगाया है। वह पूर्व ब्लॉक प्रमुख और प्रधान के उसकी मदद करने से महिला नाराज है, जिसको नौकरी का लालच देकर क्षेत्र के राजनीतिक आकाओं ने उसे ये करवाया है। आपको बता दें कि वही पति ने एसपी से शिकायती पत्र देकर मामले में कार्रवाई किए जाने की मांग की है। मेरा नाम रामू सिंह है। हाँ। और पत्नी का नाम आरती सिंह है। हाँ। आरती सिंह ने नन्या सिंह और नन्या सिंह के ऊपर आरोप झूठी आरोप लगाए, मनोज सिंह के ऊपर झूठी आरोप लगाए, और उदयवीर के कहने से और नवनीत के कहने से झूठ। कानपुर में लव जिहाद का मामला सामने आया है। हरबंस मोहाल में रहने वाली युवती ने छेड़खानी से तंग आकर फांसी लगा ली, और परिवार वालों ने थाने को सूचना दी थी कि एक मुस्लिम लड़का आए दिन उनकी बेटी को परेशान करता था, जिससे तंग आकर लड़की ने आत्महत्या की है। पुलिस ने आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर लिया है और अब लगातार लड़के से पूछताछ जारी है। थाना हरबंस मोहाल क्षेत्र में एक लड़की की आत्महत्या किए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी, इस पर पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई, करने के पश्चात लड़की के पिता के द्वारा तहरीर दी गई, जिसके आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया था, और जिस अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत की गई थी उसकी गिरफ्तारी आज की जा चुकी है। सर, उस लड़के को बताते वो मुस्लिम था और उसने हिंदू का धर्म से नाम लेकर उस लड़की को बनाकर, अब ये मुस्लिम था जो गिरफ्तार हुआ लड़का, वो मुस्लिम था और लड़की हिंदू थी, और बाकी साक्ष्य संकलित करके अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है।
कानपुर में दोपहिया वाहनों को पल भर में चोरी कर लेने वाले वाहन चोरों के अंतर जनपदीय गैंग का पुलिस ने खुलासा किया है। आपको बता दें कि क्राइम ब्रांच की टीम ने 4 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से चोरी किए गए वाहन और कई वाहनों के कटे हुए पार्ट्स तक बरामद हुए हैं। वहीं संयुक्त पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने क्राइम ब्रांच को 50,000 इनाम देने की घोषणा की है। कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और ऐसी सूचना मिली थी कि वाहन चोर इधर उन्नाव की ओर जा रहे हैं कानपुर की तरफ से, तो इस पर चेकिंग लगाई गई थी हमारे क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा और जाजमऊ पुलिस के द्वारा। तब तक 2 लोग चोरी की वाहन लेकर आते हुए दिखाई दिए, उनको रोक करके चेक किया गया, वाहन के कागज़ मांगे गए तो कोई कागज़ उपलब्ध नहीं करा सके और वो बाद में बताए पूछताछ पर कि चोरी की है। इसके बाद उन लोगों ने बताया कि हम लोग कई जिलों में घूम करके वाच करते हैं, उसके बाद चोरियां करते हैं। ये उन्नाव में शुक्लागंज में रहते थे, वहां पर जा करके इन्होंने 8 और वाहन बरामद कराए, कुल 10 वाहन पकड़े गए, 3 चेसिस मिली हैं, कटी हुई मोटरसाइकिलें हैं, इसके अलावा काफ़ी पार्ट्स मोटरसाइकिल के बरामद हुए। खबर हरदोई से है, जहां बिलग्राम तहसील क्षेत्र में आग लगने से हादसा हो गया। आपको बता दें कि यहां सिलेंडर में आग लग गई थी, वहीं आग में 6 लोगों की गृहस्थी जलकर राख हो गई, जिसकी सूचना पर पहुंचे परिजन ने इस पूरे मामले की सूचना फायर ब्रिगेड तक को दे दी है। वहीं फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, वहीं इस दौरान बाइक सहित लाखों का सामान जलकर राख हो गया। प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित आलमबाग में जल्द ही भव्य खालसा चौक का निर्माण होगा। खालसा चौक का निर्माण कार्य तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं ऐतिहासिक नाका हिंडोला गुरुद्वारे में बैसाखी समागम को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने कहा कि खालसा पंत जी के नाम पर आलमबाग में खालसा चौक का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, हम सब परिवार के सदस्य हैं, राजनीतिकारण एकत्र नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार लगातार प्रदेश के विकास को रफ्तार दे रही है, जाति धर्म की राजनीति से दूर सरकार विकास कर रही है। आप सबने प्रदेश सरकार को मिलजुल कर जनता की सेवा करने की ताकत दी है, इससे हमें काम करने की प्रेरणा मिली है। हम सब वाहेगुरु जी की कृपा से ही आज यहां खड़े हैं। आप सबने ये ताकत प्रदेश सरकार को दी है कि हम सब लोग मिलजुल करके सेवा कर सके। हमारे गुर्जर ग्रंथ ने भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने से भी पीछे नहीं हटे। आज यही सिख धर्म हमें संदेश देता है कि अपने धर्म की रक्षा के लिए हम कुछ भी कर गुजरेंगे, लेकिन भारत माता को बचाने का काम करेंगे। बोले ऐसे अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हम सब जानते हैं कि हम सब एक परिवार के सदस्य की तरह हैं, हम किसी राजनीतिक कारणवश आपके साथ नहीं जुड़े। प्रारंभ काल से ही आप सब हमारे फैमिली मेंबर हैं, परिवार के सदस्य हैं। कहीं भी कुछ होगा तो हम जिम्मेदारी के साथ। बिजनौर में जंगल में शिकारियों ने जंगली जानवर का शिकार करने के मकसद से लगाए खटके में भारी भरकम गुलदार फंस गया, जिसकी वजह से फंसे गुलदार को देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में भीड़ जमा हो गई। वहीं मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने बमुश्किल गुलदार का घंटों रेस्क्यू करने के बाद उसे पिंजरे में कैद कर लिया। साथ ही वन विभाग के अफसरों ने अज्ञात शिकारियों के खिलाफ केस दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। सुबह 9:30 एक सूचना प्राप्त हुआ था कि गुलदार जो है छाजूपुरा हल्दौर के कृषि क्षेत्र में बैठा हुआ है। सूचना पर हमने स्टाफ को मौके पर भेजा तो स्टाफ द्वारा बताया गया कि सर ये खटका लगा हुआ है, इसमें फंसा हुआ है। तो त्वरित रूप से हम लोगों ने पशु चिकित्सा अधिकारी, पुलिस और वन विभाग बिजनौर की टीम गठित करके मौके पर पहुंचे और गुलदार को सुरक्षित वहाँ से रेस्क्यू कर लिया है, खटका भी उसका निकाल लिया है। लेकिन इसका हम लोग जो खटका कैसे लगा, किन लोगों ने लगाया, इसका भी पता रसी सुराग रसी करा रहे हैं और केस दर्ज किया गया है, अग्रिम विधिक कार्रवाई करेंगे। नॉर्मली ये जो खटका यूज किया जाता है, किन के द्वारा किया जाता है? देखिए मोस्टली तो ये ट्रेंड जो रहा है कि इस तरीके से जो जानवरों को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं शिकारी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वो लगाते हैं, तो उसी परिपेक्ष में हम लोग इसकी जाँच पड़ताल कर रहे हैं।
एसटीएफ ने यूपी में उमेश पाल हत्याकांड मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए झांसी में माफिया अतीक अहमद के बेटे असद और उसके एक साथी गुलाम को मुठभेड़ में मार गिराया, जिसके बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एसटीएफ टीम को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि हत्यारों को सजा मिलना तय था, आरोपियों का यही हाल होना था। साथ ही उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि अपराध करने वालों को डरना चाहिए और यूपी में आरोपी बच नहीं सकते हैं। वहीं अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने एसटीएफ द्वारा असद और गुलाम मोहम्मद के कथित एनकाउंटर के मामले में गंभीर सवाल खड़े करते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से इस मामले में शिकायत की है और असद एनकाउंटर में 12 बिंदुओं पर सवाल किए हैं। साथ ही उन्होंने डिप्टी एसपी एसटीएफ नवेंद्र कुमार द्वारा थाना बड़गांव झांसी में 3 एफआईआर दर्ज किए हैं और एसटीएफ द्वारा इस संबंध में कई फोटोग्राफ भी जारी किए गए हैं। इस मौके के आधार पर 12 संदेह के बिंदु बताए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ये सारे बिंदु इस कथित एनकाउंटर की सत्यता पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। कल एसटीएफ द्वारा झांसी में किए गए एनकाउंटर के संबंध में आज हमने राष्ट्रीय मानवाधिकार को शिकायत की है। शिकायत में एसटीएफ द्वारा कल जारी किए गए विभिन्न फोटोग्राफ और एसटीएफ के डिप्टी एसपी नवेंद्र कुमार द्वारा थाना बड़गांव झांसी में दर्ज कराए गए 3 एफआईआर से सामने आए अत्यंत गंभीर विरोधाभास और अन्य संदेह के बिंदुओं के आधार पर शिकायत की गई है और इन बिंदुओं की निष्पक्षता पूर्वक जांच की मांग की गई है। शिकायत में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को बिना विधिक प्रक्रिया का पालन किए किसी अन्य व्यक्ति की जान लेने का अधिकार नहीं है और यदि इन चीज़ों को प्रश्रय दिया जाता है तो यह निश्चित रूप से अराजक स्थिति को उत्पन्न करेगा। नगर पालिका परिषद बहराइच के अध्यक्ष पद के लिए निर्दलीय प्रत्याशी शबनम बेगम पत्नी मौलाना सिराज मदनी ने आज रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। मौलाना सिराज मदनी ने कहा कि अगर नगर की जनता मेरी पत्नी शबनम बेगम को अपने वोटों से कामयाब करती है तो सबसे पहले गरीबी रेखा से नीचे जिंदगी गुजारने वाले सभी राशन कार्ड धारकों के हाउस टैक्स और वाटर टैक्स फ्री करने का प्रयास किया जाएगा। नगर पालिका परिषद बहराइच की ओर प्रति महीने सफाई के नाम पर धन उगाही को समाप्त करने की भी कोशिश की जाएगी। आज दिनांक 14/4/2023 को शबनम बेगम पत्नी मौलाना सिराज मदनी ने नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के लिए निर्दलीय नामांकन पत्र दाखिल किया है। मैं जनता से ये वादा करता हूँ कि अगर बहराइच की जनता ने शबनम बेगम को इस बार नगर पालिका की कुर्सी पर विराजमान किया तो सबसे पहले गरीबी रेखा से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले सभी राशन कार्ड धारकों के हाउस वाटर टैक्स को माफ़ करने का प्रयास किया जाएगा। इसी तरीके से हर महीने नगर पालिका की जानिब से सफाई के नाम पर कूड़ा उठाने के नाम पर जो धन उगाही की जाती है उसको समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश दुनिया के तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।